Hello everyone, how are you all? I am Alok and today we are going to start chapter 4 of your geography section, minerals and power resources. इस चैप्टर में हम मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज की बात करेंगे. सबसे पहले मिनरल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं. मिनरल एक नेचुरली ऑकर सब्सटेंस है जो हमें नेचर से मिलता है. ये रॉक या चट्टानों से हमें मिलता है. किसी चट्टान में अगर कोई एक मिनरल पाया जाता है तो उसे हम ओर कहते हैं. जैसे किसी चट्टान में आयरन मिलता है हमें तो हम उसे आयरन ओर बोलेंगे. मिनरल को हम उन्हें कलर, लश्चर, डेंसिटी, हार्डनेस से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मिनरल है ये. मिनरल्स की बात करते हैं अब तो 3000 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम मेटलिक एंड नॉन मेटलिक में क्लासिफाइड करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटलिक मिनरल्स की. मेटल्स को आप जानते ही हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सभी मेटलिक मिनरल्स कहलाते हैं. ये लश्चर एंड शाइनी होते हैं, देखा होगा आपने, थोड़ी सी चमक रहती है, हार्डनेस होती है. ये डक्टाइल एंड मैलेबल होते हैं. इनसे हम एक वायर भी बना सकते हैं और एक पतली से पतली शीट भी बना सकते हैं. मेटल को फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स में डिवाइड किया गया है. अब देखते हैं फेरस मिनरल्स क्या कहलाते हैं. तो जिन मिनरल्स में आयरन होता है उन्हें फेरस मिनरल्स कहते हैं. ये ग्रेश कलर में होते हैं और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं इसे हम. अब देखते हैं नॉन फेरस मिनरल्स. तो जिन मिनरल्स में आयरन नहीं होता, आयरन के कंटेंट्स नहीं होते, उन्हें हम नॉन फेरस मिनरल्स बोलते हैं. इसमें गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आते हैं. अब बात करते हैं हम नॉन मेटलिक मिनरल्स की. तो जिन मिनरल्स में मेटल्स नहीं होते, मेटल के कंटेंट्स नहीं होते, उन्हें हम नॉन मेटलिक मिनरल्स बोलते हैं. जैसे कोल, पेट्रोलियम, नाइट्रेट, पोटास, माइका एसेट्रा. ये लश्चर नहीं होते, इन्हें अगर तोड़ा जाए तो ये पत्थर की तरह टूट जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं. इनसे हम वायर और शीट्स वगैरह नहीं बना सकते, जैसे मेटल के से बना सकते हैं. इनसे हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते. ये मोस्टली एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं. अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की. तो मिनरल्स को जब हम निकालते हैं या खोजते हैं उस प्रोसेस को हम माइनिंग बोलते हैं. माइनिंग आसान होती है जब मिनरल्स अर्थ सरफेस या उसके आसपास होते हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत गहराई में होते हैं, सी, लेक्स, रिवर्स के अंदर तक होते हैं. जो मिनरल्स अर्थ सरफेस पर ही होते हैं उन्हें आसानी से खोद के निकाल सकते हैं. इसे क्वेरिंग बोलते हैं. इसमें सरफेस लेयर को रिमूव करके मिनरल्स को खोजते हैं. ये इजी और चीप मेथड होती है. इसे ओपन कास्ट माइनिंग भी बोला जाता है. लेकिन जब मिनरल्स डेप्थ में हों, डीप हों, तो उसमें डीप होल करना पड़ता है, जिसे शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं. और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए डीप वेल्स बनाने होते हैं, जिसके लिए हम ड्रिलिंग करते हैं. तो इस मेथड को हम ड्रिलिंग भी बोलते हैं. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल सोर्सेज. इसमें सबसे पहले आता है आयरन ओर. मीन्स ऐसे रॉक्स, ऐसी चट्टानें कहाँ मिलती हैं जिनमें आयरन के कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं. तो पहले तो आयरन ओर को देख लेते हैं हम. तो इसमें डिफरेंट वेराइटीज़ होती है. एक होती है हेमेटाइट. हेमेटाइट रेड कलर में होती है और इसमें 60% आयरन कंटेंट होता है. दूसरी होती है मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट ब्लैक कलर में होती है, इसमें भी 60% आयरन कंटेंट होता है. फिर आती है लाइमोनाइट. लाइमोनाइट ब्राउन कलर की होती है और इसमें 30-50% आयरन कंटेंट होता है. उसके बाद आता है साइडराइट. साइडराइट में 30-50% आयरन कंटेंट होता है. इसकी ये फोर वेराइटीज़ हमने देखी. ये अलग अलग एरियाज़ में पाई जाती हैं. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आयरन ओर सबसे ज़्यादा झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटका एंड गोवा में पाई जाती है. इंडिया जो है वो आयरन ओर प्रोड्यूसर में फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है. और अगर प्रोड्यूसर की बात करें स्टील की, तो 11th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील है. उसके बाद अगर हम दुनिया में देखें, वर्ल्ड में देखें, तो चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड रशिया, ये 5 बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं आयरन ओर के. इसके अलावा यूक्रेन, US, साउथ अफ्रीका, कनाडा में भी आयरन ओर प्रोड्यूस होती है. अब हम बात करेंगे माइका की. कई टाइप के माइका पाए जाते हैं. इसमें सबसे पहले आता है मस्कोवाइट, जो कि लाइट कलर्ड का होता है.
और एक दूसरा होता है बायोटाइट जो कि ब्लैक कलर में होता है। ये सबसे ज़्यादा यूसेज में होते हैं। माइका जनरली इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में यूज़ होता है और आजकल इसे हाई टेम्परेचर जो इक्विपमेंट है जैसे रॉकेट मिसाइल वगैरह इनमें भी यूज़ करते हैं। इंडिया जो है वो माइका का लीडिंग प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर, जिसके और इसके बाद फिर ब्राज़ील में ये जो माइका है वो प्रोड्यूस होता है। अदर प्रोड्यूसर्स भी हैं जैसे US, तंजानिया, जिम्बाब्वे, अर्जेंटीना। इंडिया में हाई क्वालिटी माइका फाउंड किया जाता है, जो मिलता है वो पाया जाता है झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान में। अब हम बात करेंगे बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है, इससे हम एल्यूमिनियम बनाते हैं। 6 टन बॉक्साइट से 1 टन एल्यूमिनियम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब एल्यूमिनियम के यूजेस आप जानते ही हैं कि इन्हें हम घर के बर्तन बनाने में यूज़ करते हैं, सोडा कैंस, डिश वाटर और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। इस ओर का कलर वाइट, येलो, ग्रे और रेड कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉक्साइट तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, गिनिया, गुयाना, इंडिया एंड जमैका। इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। और अगर एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया 10th नंबर पे है। इंडिया में बॉक्साइट झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर तो सभी जानते हैं, तांबा, जो ये मतलब लंबे समय से मतलब एंशियंट हिस्ट्री में भी इसका यूज़ होता आ रहा है। अब हम बात करें कॉपर की तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेटल है क्योंकि इससे हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में वायर बनाते हैं और अदर अप्लाइंसेस भी बनाते हैं। और आपने देखा होगा कि कई सारे मतलब जो बर्तन वगैरह हैं जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी कॉपर यूज़ होता है। अब जो कॉपर के रिजर्व्स हैं वो वर्ल्ड में इनफ नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉपर जो दुनिया में नहीं मिलता है। चाइल्ड जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का, जो जिसके बाद फिर US आता है। और अदर जो मेजर प्रोड्यूसर हैं वो है इंडोनेशिया, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, कनाडा, पोलैंड एंड कजाकिस्तान। इंडिया में जो कॉपर पाया जाता है वो झारखंड, बिहार और राजस्थान में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मैग्नीज की। तो मैग्नीज जो है ये पिंकिश ग्रे केमिकली एक्टिव मेटल है और ये आयरन या फिर हम बोलें कि स्टील इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। और अदर यूजेस भी हैं इसके, जैसे इससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है, पेंट्स बनते हैं, प्लास्टिक बनता है, वार्निश्ड बनता है, ग्लेज्ड पॉटरी बनते हैं। अब जो मैग्नीज का 80% है वो सिर्फ साउथ अफ्रीका और यूक्रेन में पाया जाता है और इसके अलावा अदर कंट्रीज़ में चाइना, ऑस्ट्रेलिया, गैबोन, इंडिया और मैक्सिमो में भी पाया जाता है। इंडिया जो है वो मैग्नीज ओर का 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हमारे यहाँ मैग्नीज झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन वेरी पॉपुलर बिल्डिंग मटेरियल है। ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में रेडिली अवेलेबल है, मीन्स इसको सिर्फ मतलब वहाँ पे इजी टू कट है, मतलब कि कट करना है और ये यूज़ के लिए तैयार रहता है। हम अगर देखें इसके अदर यूज़ तो ये ब्लैक बोर्ड, चौक, कंस्ट्रक्शन इनसाइड बिल्डिंग, फ्लोरिंग के लिए यूज़ होता है और कई इंडस्ट्रीज जैसे पेपर, प्लास्टिक, स्टील, पेंट, ग्लास इंडस्ट्रीज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है। और वाटर ट्रीटमेंट या रोड कंस्ट्रक्शन के लिए भी इसको यूज़ में लेते हैं। अब जो लाइमस्टोन है वो US, कनाडा, वियतनाम, डेनमार्क एंड फ्रांस में पाया जाता है। इंडिया में ये बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और झारखंड में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम गोल्ड की। तो गोल्ड एंशियंट टाइम से यूज़ में है, जैसे कॉपर यूज़ में था। अब हम गोल्ड की बात करें तो ये प्रीसियस मेटल है, इससे हम ज्वेलरी और अदर लग्जरी के आइटम्स बनाते हैं। और ये साथ में अलॉयड भी है, कॉपर, जिंक और सिल्वर के साथ भी इसको यूज़ में लेते हैं हम। साउथ अफ्रीका इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और ऐसा बिलीव किया जाता है कि वर्ल्ड रिसोर्सेज में साउथ अफ्रीका का मतलब साउथ अफ्रीका के पास हाफ ऑफ रिसोर्सेज है। US, ब्राज़ील भी गोल्ड के मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। इंडिया में जो गोल्ड पाया जाता है वो पाया जाता है कोलार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। नाउ डायमंड सभी जानते हैं सबसे वैल्यूबल जेम्स है और इससे कलरलेस हो सकता है या पेल ब्लू कलर का होगा। और जो कई सारे डायमंड्स हैं वो पिंक, ग्रीन,
लेमन और ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं। अब जो डायमंड यूज़ होता है वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होता है, और जो इन्फीरियर क्वालिटी का डायमंड है वो ग्लास कटिंग के लिए या फिर हार्ड रॉक्स में ड्रिलिंग करने के लिए यूज़ होता है। डायमंड डस्ट भी यूज़ होती है पॉलिशिंग के लिए। अब जो डायमंड है वो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, घाना, तंजानिया, अंगोला, यहाँ पे पाया जाता है। इंडिया में जो डायमंड पाया जाता है वो पन्ना माइंस मध्य प्रदेश में और गोलकोंडा माइंस आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में पाया जाता है। नाउ साल्ट। साल्ट भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है और एकमात्र ऐसा मिनरल है जिसको हम खा सकते हैं। अब साल्ट के यूज़ क्या क्या होते हैं, तो इसका यूज़ मतलब जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें तो होता ही है, साथ में मीट पैकिंग, फिश क्योरिंग और अदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट सोप ग्लेज एंड प्रोक्लेन एनिमल मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है। अब हम सी वाटर की बात करें तो इसमें 3% सॉल्ट कंटेंट्स होता है। अब सॉल्ट पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया और यूएस, यूके इसके लार्ज प्रोड्यूसर हैं। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है, उसके बाद जर्मनी, फिर इंडिया, फिर कैनेडा। इंडिया में अगर बात करें रॉक सॉल्ट की तो हिमाचल प्रदेश, सी सॉल्ट की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सॉल्ट पाया जाता है, और अगर ब्राइन्स की बात करें तो ये राजस्थान में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की। तो हम जानते हैं कि मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा इनको नहीं बनाया जा सकता, एग्जॉस्टेबल हैं, इनको दोबारा यूज़ में नहीं लाया जा सकता। तो अब हमें ज़रूरी है कि हम मिनरल्स को कंजर्व करके चलें। तो कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो पहला रिसाइकलिंग। जैसे हम जानते हैं आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। तो रिसाइकलिंग से हम इसको जो मिनरल्स हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं। सेकंड, इफ़िशेंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जब इनका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक्सट्रैक्शन की जो मेथड है वो इफ़िशेंट होना चाहिए, जिससे वेस्टेज जो है वो कम से कम हो। थर्ड है सब्स्टिट्यूट। हमें सब्स्टिट्यूट देखना चाहिए, जैसे कि हम देखें कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है और अदर सब्स्टिट्यूट है, इनको यूज़ में ला के हम मिनरल्स का यूज़ कम से कम कर सकते हैं, जिससे मिनरल्स जो हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व रहेंगे। अब हम बात करेंगे पावर और एनर्जी रिसोर्सेज की। तो पावर और एनर्जी रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब कि जो हम लॉन्ग टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। इनमें से कुछ एग्जॉस्टेबल हैं और कुछ नॉन एग्जॉस्टेबल हैं, कुछ रिन्यूएबल हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल हैं। जैसे हम बात करें फायर, वुड, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, और लेकिन ये एग्जॉस्टेबल है, मतलब एक बार हमने यूज़ कर लिया तो दोबारा इनको यूज़ नहीं कर सकते, ये नष्ट हो जाएंगे। हाइड्रल पावर भी कन्वेंशनल सोर्सेज है लेकिन ये नॉन एग्जॉस्टेबल है, इसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो हैं वो फॉसिल से हमें मिलते हैं, तो इन्हें फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है। फॉसिल फ्यूल्स आप जानते ही होंगे कि जो एनिमल और प्लांट हैं वो जब डिके हो जाते हैं, है ना, मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, फिर उसके बाद जो मतलब उनसे हजारों सालों बाद हमें फॉसिल फ्यूल के रूप में वो मिलते हैं। तो फॉसिल फ्यूल में सबसे पहले आता है फायरवुड। तो अगर फायरवुड की बात करें तो इंडिया में जो 50% ऑफ एनर्जी है वो फायरवुड से ही यूज़ में लाई जा रही है। कलेक्शन ऑफ फायर जो है कई टाइम डिफ़िकल्ट होता है ना, और फायरवुड के यूज़ से पॉल्यूशन भी ज़्यादा बढ़ता है और डिफॉरेस्टेशन का खतरा भी ज़्यादा होता है, जंगलों की कटाई का खतरा भी ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कोल की। तो ये हमें सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में मिलता है, इसे हम फॉसिल फ्यूल भी की कैटेगरी में भी रखते हैं, और इसे फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ये सॉलिड होता है और कलर में ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है। इसके 4 मेजर टाइप हैं जो कि परसेंटेज ऑफ कार्बन पे डिपेंड करते हैं। तो पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट एंड फोर्थ है पीट। जो एंथ्रासाइट है उसमें कार्बन कंटेंट 70-86% होता है, लिग्नाइट में कार्बन कंटेंट 60-70% होता है,
और पीट में ये 60% से भी कम में होता है। पीट जो है वो फर्स्ट स्टेप है कोल फॉर्मेशन का, फिर धीरे धीरे यही आपका लिग्नाइट एंड एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। कोल के यूज से भी पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा खतरा है। अब हम बात करें इसके प्रोड्यूसर्स की, तो चाइना जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके बाद USA, रसिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका भी इसके अदर प्रोड्यूसर्स हैं। जर्मनी और फ्रांस में भी यहाँ पे कोल का प्रोडक्शन होता है। अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कोल है वो रानीगंज वेस्ट बंगाल, झरिया धनबाद, बोकारो झारखंड, तालचेर उड़ीसा, कोरबा छत्तीसगढ़, सिंगारेनी तेलंगाना, नेवियली तमिलनाडु और बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अदर पार्ट्स में भी पाया जाता है। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, पेट्रा मीन्स रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल। अब इसे रॉक ऑयल और क्रूड ऑयल भी बोला जाता है। अब हम जानते ही हैं कि पेट्रोलियम कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन के लगभग हर एरिया में यूज़ होता है, जैसे मशीनरी, फैक्ट्रीज, एरोप्लेन, ट्रेन, कार्स, मोटरसाइकिल्स। इसके कई फॉर्म होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और एविएशन फ्यूल। अब हम अगर बात करें कि पेट्रोलियम जहाँ से ड्राइव होता है तो उस एरिया को हम बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है। सऊदी अरेबिया इसका लार्ज प्रोड्यूसर है, उसके बाद इराक, कुवैत, ईरान, यूएई अदर इसके प्रोड्यूसर्स हैं। पेट्रोलियम रिजर्व मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, वेनेजुएला, नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया में भी है। इसके अलावा लिबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया और चाइना, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। इंडिया की बात करें तो डिगबोई इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई, डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी में पेट्रोलियम फाउंड होता है। अब हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज पेट्रोलियम डिपॉजिट के पास पाई जाती है। जब क्रूड ऑयल हम अर्थ की सरफेस पे लाते हैं उस टाइम नेचुरल गैस रिलीज होती है। ये अंडरग्राउंड पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जा सकती है और ये अंडर हाई प्रेशर में रहती है, जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं CNG। CNG एक इको फ्रेंडली मिनरल है और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसे हम हीटिंग, कुकिंग, पावर जनरेशन, मोटर व्हीकल्स और नाइट्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड की, तो ये रशिया में है, उसके बाद US, कनाडा, अल्जीरिया, ईरान, नॉर्वे, UK, इंडोनेशिया में भी है। इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी बेसिन और सम ऑफशोर एरियाज इन मुंबई, यहाँ पे नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। अब हम बात करेंगे हाइडल पावर की। तो जब हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसे हम हाइडल पावर बोलते हैं। जो फास्ट फॉलिंग डैम्स हैं उनमें टरबाइन ब्लेड्स लगाकर जो जनरेटर है वो ऑन होता है और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हाइडल पावर जो है वो हाईएस्ट प्रोपोर्शन में रिन्यूएबल एनर्जी है। इसके थ्रू हम 6.5% ऑफ वर्ल्ड टोटल कमर्शियल एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। 20% ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाइडल पावर से आती है। अगर हम बात करें नॉर्वे, डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे 99% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर के थ्रू आती है। और अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो वो 91% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाइडल पावर के थ्रू प्रोड्यूस करता है। चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइडल पावर का। अदर कंट्रीज जो हैं वो हैं रशिया, ब्राज़ील, कनाडा एंड नॉर्वे। अब इंडिया की बात करें तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगे हुए हैं वो हैं भाकरा नंगल, नागार्जुन सागर, हीराकुड डैम, कोसी, रिहांड एंड चंबल। अदर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल पावर, बायोगैस। तो इनको आपको अच्छे से देख लेना है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जो फॉलोइंग मेजर्स हैं, सबसे पहला द एफिशिएंसी ऑफ पावर स्टेशन शुड बी इंक्रीज, जो पावर स्टेशन है उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। सेकंड है वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, इंसिनरेटर्स एंड पावर स्टेशन शुड बी यूज्ड इन डायरेक्ट हीटिंग। जो भी वेस्ट है इंडस्ट्रीज का या पावर स्टेशंस का
उसको हम डायरेक्ट हीटिंग में यूज़ करें। फिर है वेस्ट शुड बी बर्न्ड टू जनरेट पावर, जो वेस्ट है उसको मतलब पावर जनरेशन के लिए बर्न करें हम। मशीनरी एंड अप्लाइंसेस शुड बी मेड मोर इफ़िशेंट, जो मशीनरी हैं अप्लाइंसेज हैं उनको इस तरह से मेड किया जाए कि वो इफ़िशेंटली काम करें, अच्छे से काम करें। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड सच एज गोबर गैस, बायोगैस। अब इसी एनर्जी पे हमें डिपेंड नहीं रहना है, इसके अल्टरनेटिव सोर्सेज भी देखने हैं जैसे गोबर गैस, बायोगैस एसेट्रा। एज फार एज पॉसिबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुड बी मेड इफ़िशेंट सो दैट मोर पीपल कैन यूज़ दैम इन प्लेस ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। अब हमें क्या करना है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको इस तरीके से, जैसे कि हम बस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 100 लोग आ जाएंगे, है ना, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पर्सनल व्हीकल यूज़ नहीं करेंगे, मोटरसाइकिल यूज़ नहीं करेंगे, है ना। वो बस की अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एक बस के थ्रू हज़ारों लोग सफ़र कर सकते हैं, है ना, जबकि व्हीकल पर सिर्फ 2 लोग यूज़ मतलब सफ़र करेंगे। उसके बाद द पीपल शुड बी इनक्रेज टू शेयर प्राइवेट व्हीकल्स। पीपल को हमें इनक्रेज करना है कि वो प्राइवेट व्हीकल को शेयर करें, जैसे एक लोग जा रहा है तो उसके साथ दूसरा भी अगर उसी रास्ते जाना चाहता है तो उसके साथ वो जा सकता है, अलग से अपना पर्सनल व्हीकल ना ले जाए। तो ये था हमारा चैप्टर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।